अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रात का वक्त हो रहा है, अब मैं परिंदों की खुराक लेकर आया था तो कुछ मैं मिक्स कर चुका था। बनाने लगा हूँ बाजरा या इस ड्रम के अंदर है बाजरा, 3 किलो बाजरा चाहिए। फ्रेंड्स, इस ड्रम के अंदर मैंने पहले ऑलरेडी कुछ खुराक है ना, जैसे बाजरा हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, वो मैंने ना स्टोर करके रखा हुआ है। चीज़ें मैं लेकर आया हुआ हूँ, अब उसके अंदर है ना 3 किलो बाजरा डालना है। बाकी फ्रेंड्स, ये सारा है ना मैंने इसके अंदर मिक्स करना है वन बाय वन करके। तो पहले इसका वेट कर ले, कितना हुआ छोटा। ये कुर्दों में वो भी इसमें डाल रहे हैं। सूरजमुखी किधर है फ्रेंड? मुझे ही उठना पड़ेगा यहाँ पे। सारे मैं बड़े पैरट्स की खुराक बना रहा हूँ। हो गया, ये मैंने वेट मशीन रखी हुई है और यहाँ पे है ये बाजरा, हमें चाहिए 3 किलो बाजरा। ये मेरी अपनी ज़मीनों का साफ सुथरा बाजरा है। बस शुरू भाई, पहले इसका वेट, अभी रुक जा, पहले इसका वेट कर लेते हैं। हाँ, उसमें डालता रहे छोटे, ये पूरा 3 किलो करना है। थोड़ा मोड़ा डल जाए खा रहा है उसकी, थोड़े मोड़े की खा रहा है, डाल दे जो है, क्योंकि समटाइम्स है ना वो गंद भी होता है ना, कचरा डाल दे। 3 किलो से ना थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। कितना? 15-20 ग्राम। ये बाजरा आ गया 3 किलो, इसमें डाल दे जल्दी जल्दी। अब फ्रेंड, इसके अंदर हमें सूरजमुखी डालनी है जो अभी इसके अंदर ऐड नहीं है। अब सूरजमुखी, ये तो है बड़े छोटे तोतों का, लव बर्ड्स की खुराक बनाई है हमने, एक वो बन चुकी है। इसके अंदर क्या शो है? हाँ, जो भी डलेगी। 2 किलो ये आएगी, 7 किलो ये। 7 और 2 कितने हो गए? 9। बाकी अभी इसमें थोड़ा गंद भी है तो मैं ये थोड़ी सी, जिस तरह का जान डलनी है ना 7 किलो, तो मैं उधर है ना कुछ ग्राम थोड़ी ज़्यादा डलवा लेता हूँ ताकि गंद को साफ़ करने के बाद फिर वो उसी लेवल पर, उसी वेट पर आ जाती है। ये मेरी सारे बड़े पैरेट्स की खुराक बन गई है, बस इसको मिक्स करना और ड्रम में डाल देना है। तो ये सारी ऑलमोस्ट 27-28 किलो की खुराक मेरी ये बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह, ये मेरी मुर्गियों ने बच्चे दिए थे और पता नहीं इसकी टांग पे क्या लगा है, क्या हुआ है, कुछ चोट लगी है, क्या हुआ है, ये देखें। और बच्चे बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। बाकी फ्रेंड्स, आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।